आईबीसी 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ में सीतल। सिंगरौली जिले से आ रही अब तक की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने आज सिंगरौली जिले के धीरोली एवं बंधा गांव में निर्माण मटेरियल के परिवहन पर रोक को हटाने तथा जगह जगह बनाए गए नाकों को समाप्त करने के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम संबंधित ज्ञापन कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीणा को सौंपा। जिला प्रशासन समेत पूरी सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। सिंगरौली द्वारा पूरा कब्जा करने की फिराक में अडानी सीपी शुक्ला, कांग्रेस पार्टी ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय सिंगरौली को सौंप कर मांग किया है कि सिंगरौली जिले की धीरोली एवं बंधाकोल ब्लॉक का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसकी सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, किंतु अभी तक सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में सिर्फ सिंगरौली जिले में गौतम अडानी जी के दौरे से तत्काल धीरोली गांव में जिला प्रशासन द्वारा निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक तथा पटवारियों और CIS बल के द्वारा नाका बनाकर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाया जाए। उक्त कोल ब्लॉकों के लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी नहीं की गई है। ऐसे में तानाशाही पूर्ण आदेश जारी करना निश्चय ही शिवराज सरकार का किसानों के ऊपर अत्याचार है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ गौतम अडानी जी के भय के कारण ऐसा आदेश जारी किया गया है। आज पूरे सिंगरौली जिले के लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं और इस प्रकार के आदेश से लोग डरे हुए हैं। धीरोली क्षेत्र पूर्ण रूपेण आदिवासी बाहुल्य है। ऐसे में वर्तमान शिवराज सरकार आदिवासी लोगों के ऊपर तानाशाही शासन करना चाहती है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वैसे ही सिंगरौली जिला भूमि अधिग्रहण की चपेट में है। शिवराज सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, बल्कि किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। अतः महामहिम राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध है कि धीरोली एवं बंधाकोल ब्लॉक अंतर्गत निर्माण मटेरियल के परिवहन पर लगाए गए रोक को हटाए जाने का आदेश एवं जगह जगह बनाए गए नाके को तत्काल समाप्त करने का आदेश दिए जाने की कृपा की जाए। मौके पर मौजूद रहे सीपी शुक्ला प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रमा शंकर शुक्ला कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, सुरेंद्र गुप्ता पूर्व पार्षद, अरुण पांडे, सोनू मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे।